गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज अपन कैपेसिटर्स में पढ़ेंगे, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स का मतलब होता है दो कैपेसिटर को आपस में जोड़ देना। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब एक कैपेसिटर ये रहता है, इसको दूसरे के साथ ग्रुपिंग करनी है, तो एक तरीका तो ये है कि इसको सीधे सीधे एक के अंदर एक लाइन लगाते जाए। लाइन लगाते जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, सीरीज। और अगर दोनों सिरे दोनों सिरों से मिले होंगे और इस तरीके से जाके बैटरी से अटैच्ड होगा तो इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल। तो दो तरीके की ग्रुपिंग से, एक है सीरीज एक है पैरेलल। पैरेलल में कैपेसिटी बढ़ जाती है, सीरीज में कम हो जाती है। ठीक, तो पहला नंबर पे अपन देखें पैरेलल, पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है कि कैपेसिटी बढ़ जाती है। कैसे कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो अगर मान लो कि एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है C1, इसको कैपेसिटर C2 के साथ ज्वाइन किया गया तो इसकी C इक्विवेलेंट आएगी C1 प्लस C2, यानी दोनों की कैपेसिटी आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो कैपेसिटी बढ़ गई। तो पैरेलल में आंसर जो आता है वो बड़े से भी बड़ा होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। आंसर जो आता है वह बड़े से भी बड़ा होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो ग्रुपिंग है उसका नाम है सीरीज। सेकेंड नंबर की जो ग्रुपिंग है वो क्या है, सीरीज ग्रुपिंग। इसके अंदर आंसर छोटा हो जाता, सीरीज ग्रुपिंग। तो जब सीरीज ग्रुपिंग करते हैं तो दो सिरे कैपेसिटर के, जो दो सिरे हैं ये इस तरीके से लगे रहते हैं और ये बैटरी से जुड़े रहेंगे ए और बी, और कैपेसिटर होगा C1 C2, और इसका जो C इक्विवेलेंट होगा वो इस तरीके के फॉर्मूले से निकलेगा, 1 upon C equivalent is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2। ये इसका बेसिक फॉर्मूला। ठीक, और इसका जो आंसर आता, इसका आंसर यानी इक्विवेलेंट छोटे से भी छोटा आता, छोटे से भी छोटा आता। आई बात समझ में? अब देखो क्या बोल रहा हूं मैं, छोटे से छोटा का मतलब क्या है। जैसे मान ले कि हमने बोला कि ये वाला जो है कैपेसिटर ये 6 माइक्रोफेराड का और ये वाला 12 माइक्रोफेराड का, तो इसका सी इक्विवेलेंट कितना होगा, तो 1 upon C equivalent is equal to 1 upon 6 plus 1 upon 12। एलसीएम आया 12, एलसीएम किसी को लेना नहीं आता ना, तो बड़ी वाली संख्या ले लिया करो जो इससे दोनों डिवाइड होते हो। ये इससे डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स और ये इससे डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स, तो इट इज 3 divided by 12। ये इससे हाथ कैंसिल हुआ, 1/4 आया, पलटा दो उसको तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 माइक्रोफेराड, जो यूनिट में लिया उसी यूनिट में आ जाएगा। अब इसको देख के तुमको ये पता पड़ रहा होगा कि जो 6 माइक्रोफेराड एक कैपेसिटर था वो छोटा कैपेसिटर था। ठीक है, और आने वाला आंसर छोटे कैपेसिटर से भी कम आ गया, छोटे से भी छोटा हो गया। ठीक है, जबकि यही 6 और 12 अपन यहां लगाते तो इसकी कैपेसिटी 6 माइक्रोफेराड लेते और इसकी कैपेसिटी 12 माइक्रोफेराड लेते तो जो C इक्विवेलेंट आता वो आता 6 प्लस 12, और 6 प्लस 12 होता 18 माइक्रोफेराड। तो आने वाला आंसर इन दोनों में से जो बड़ा है उससे भी बड़ा होता। तो आने वाला आंसर कौन है, 18, जो कि 12 से भी बड़ा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट समझ में आए। इसमें जो आंसर आता है वो बड़े से भी बड़ा होता है, इसका जो आंसर आता है वो छोटे से भी छोटा होता। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स लिख लें, हम फिर अपन क्वेश्चन करते हैं इसके। चलिए अब क्वेश्चन देखें। सबसे पहली चीज, पैरेलल में किसी भी तरीके के कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। इसमें सीधे सीधे फॉर्मूला 6 प्लस 12 यानी कि 18 सीधे सीधे जुड़ गया ना इसके अंदर। जबकि सीरीज में थोड़ा एलसीएम निकालने का चक्कर है, इसलिए हमने क्या किया कि ये जो फॉर्मूला है इसको चेंज किया। पैरेलल में कोई चेंज नहीं करा, पैरेलल के अंदर तो वही का वही, क्योंकि सिंपल जोड़ना ही तो है पैरेलल में, तो पैरेलल में कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है या कोई शॉर्टकट की जरूरत ही नहीं है। जो शॉर्टकट्स की जरूरत है वो सिर्फ सीरीज में है। तो सीरीज में हमने क्या किया, हमने इसको पहले ही एलसीएम ले लिया 1 upon C equivalent,
निकालने के लिए हमने क्या किया कि सी इक्विवेलेंट लिखा और पहले ही एलसीएम ले लिया, और एलसीएम ले लिया सी वन सी टू, तो सी टू इधर जाएगा सी वन इधर जाएगा, तो सी टू प्लस सी वन हो जाएगा। अब इसको पलटा भी दिया तो पलटा देने से हो गया सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू। ये फॉर्मूला उपयोग लाने में दो फायदे हैं, एक तो एलसीएम नहीं लेना पड़ता, दूसरी चीज पलटाना नहीं पड़ता, क्योंकि कभी कभी अपन पलटाना भूल जाते हैं वन अपॉन सी इक्विवेलेंट इस तरीके से। तो इसमें ये फॉर्मूला में ये फायदा है, नुकसान ये है कि सिर्फ दो में लगेगा, ठीक है, ये ना दो कैपेसिटर, जबकि इसमें अगर तीसरा आ जाएगा तो ये तीसरे में भी लग जाएगा और लगता जाएगा जितने चाहिए, ठीक है। तो ये वाला शॉर्टकट फॉर्मूला है, इसको अपन लिख लें, ठीक। अब उसके बाद क्वेश्चंस करना चालू करते हैं, तो सबसे पहले बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा ताकि जो है प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद स्टार्ट करेंगे आगे थोड़े टफ लेवल के। सबसे पहले एक 6 माइक्रोफेराड का लगा है और दूसरा भी 6 माइक्रोफेराड का लगा है, इसका कितना आंसर आएगा? तो ये दोनों काय में लगे, सीरीज में लगे, सीरीज में लगे हैं तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, चाहिए लगा सकते हो। तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 2 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, पलटा दो तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3, ये आ गया इसका माइक्रोफेराड में। उसके बाद यदि मैं इसको बोलूं कि तुम इसको करो इस वाले फॉर्मूले से, तो इससे भी कर सकते हो, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6 इज 12, ये इससे दो बार कटाइए, इससे तीन बार कटाइए, डायरेक्ट आ गया, एक स्टेप बचती है इसमें एलसीएम की, ठीक है। तो ये वाला जो है सेकेंड मेथड है, इससे भी किया जा सकता है, उससे भी किया जा सकता है। अब इसमें हुआ क्या कि जो आंसर आया वो आया 3, ठीक है ना। अब अगर मान लो कि मैं कर देता हूं 3 कैपेसिटर्स, ठीक है, सेम क्वेश्चन 3 कैपेसिटर्स पार्ट बी, एक कैपेसिटर दूसरा तीसरा सब 6 माइक्रोफेराड के, तो इस केस में ये बताएं कि व्हाट इज सी इक्विवेलेंट। तो हम क्या बोलेंगे कि ये आएगा 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6, तो अब की बार कितना हो गया 3 अपॉन 6, ये इससे कैंसिल हुआ 1/2, पलटा दोगे तो सी इक्विवेलेंट विल बी 2 माइक्रोफेराड। तो क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जब 3 एक जैसे लगे हों, एक जैसे सीरीज में हो, पैरेलल में तो कोई ट्रिक ही नहीं है, जब 3 एक जैसे हों काय में सीरीज में, तब आने वाला आंसर सी अपॉन 3 होगा। अरे इस 6 को 3 से डिवाइड करो ना तो दो आंसर आ रहा है ना, और जब 2 एक जैसे हों तो आने वाला आंसर सी अपॉन 2 होगा, तो इसका आंसर सी इक्विवेलेंट सी अपॉन 2 होगा, क्योंकि 2 एक जैसे हैं और 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3, 3 एक जैसे हों तो 3 से डिवाइड होगा। इसका मतलब यदि n एक जैसे सीरीज में हो, इफ n कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर इन सीरीज, देन c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय n, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय एन, ये अपने को पहला पॉइंट पता पड़ा। एक पॉइंट और देख लें हाथ क्या, तो दोनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अगर मान लो कि मैं दूसरा क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन नंबर 2, ये दूं कि 2 लगे हैं पैरेलल में, ठीक है, तो पैरेलल में किसी तरह की कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि 6 माइक्रोफेराड का यदि 6 माइक्रोफेराड के साथ पैरेलल में होगा तो सिंपल है, इसका आंसर ऐड होके आ जाएगा 6 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 12 इक्विवेलेंट माइक्रोफेराड। तो यदि n एक जैसे पैरेलल में हो, पैरेलल में हो, तो c इक्विवेलेंट क्या n इंटू सी होगा? तो बोला हाँ होगा, क्योंकि जब 2 एक जैसे तो 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 3 एक जैसे होता तो 18 आंसर होता, 4 एक जैसे होते तो 4 का मल्टीप्लाई होता, n एक जैसे हैं तो n का मल्टीप्लाई होगा। तो ये वाले जो दो नोट्स हैं, ये सेकेंड नंबर का और ये फर्स्ट नंबर का, ये इंपॉर्टेंट है। जब एक जैसे होंगे तो सीरीज में सी बाय एन होगा, और जब एक जैसे होंगे तो पैरेलल में एन इंटू सी होगा, ठीक है। चलिए लिखें फटाफट, पॉज दबाए लिखें।
चलिए नेक्स्ट आगे देखें। अब 6 माइक्रोफेराड का लगा दिया। अच्छा, पैरेलल में तो कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं, बस एक ही ये बनी है, बाकी की जो ट्रिक्स बनेगी वो सब सीरीज की बनेगी। ठीक है, अब सीरीज की ट्रिक देखें एक और, मैं कैसे शॉर्टकट करता हूं उसके। एलसीएम निकालने का झंझट ही नहीं रखता, सीधे जो है वो देखा और सर्किट सॉल्व। सीरीज के अंदर देखें, ये मान लो कि 6 माइक्रोफेराड की जगह 3 माइक्रोफेराड का होता। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर क्या आता ये देखें। अगर इसकी जगह मैं लेता 6 माइक्रोफेराड का और इधर साइड 12 माइक्रोफेराड का, क्या आंसर आता बताओ। तुम लोग करो बैठ के फटाफट। एक और लगा दें यहां पे 2 माइक्रोफेराड का, इधर साइड लगा दें 6 माइक्रोफेराड का, तो क्या आंसर आता। चौथे नंबर पे ये वाला है 5 माइक्रोफेराड का और ये वाला है 25 माइक्रोफेराड का, तो क्या आंसर आता बता। फटाफट लगाएं, फटाफट फटाफट पॉज दबाओ लगाओ। चलिए अब देखिए मैं बताता हूं। 2 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड, 1.5 माइक्रोफेराड, 25/6 माइक्रोफेराड, क्या ये आंसर सही है। अब मैंने कोई कैलकुलेशन तो करा नहीं, तुमने देखा होगा डायरेक्टली तो लिख दिया। तुम कुछ भी लिख दोगे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं एक ट्रिक लगा रहा हूं मनी मन में। ठीक है, वो मनी मन की ट्रिक समझा देता हूं कैसे। तुमने जैसे भी निकाला हो, तुमने कैसे निकाला होगा, 1/c = 1/3 + 1/6, एलसीएम आया 6, फिर ये हो गया 2 + 1 = 3/6 = 1/2, फिर कुछ पलटाना भूल गए होंगे, पर जिसने पलटा दिया हो गया उसका 2 माइक्रोफेराड आ गया होगा। ये नहीं लगाया होगा तो तुमने क्या किया होगा, फॉर्मूला लगाया होगा C equivalent = C1 C2 / C1 + C2, सीरीज में यही लगता है, इट इज 3 × 6/3 + 6, ऊपर आ गया 18, नीचे आ गया 2, कैंसिल आउट हो गया तो 2 माइक्रोफेराड ही आ गया। ये दो मेथड्स तो बता दिया। अब देखे इसकी ट्रिक समझा मैं कैसे लगा रहा हूं। अगर एक दूसरे का डबल हो, इसके पहले जो ट्रिक बताई थी ना उसमें वो सेम थे, तो 2 से डिवाइड करना था, 2 एक जैसे थे, 3 एक जैसे थे, 3 से डिवाइड करना था। अब यहां क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर एक दूसरे का डबल हो, ठीक है, तो क्या यहां पे ये एक दूसरे का डबल, 3 का डबल 6, बोले हां है। तो यदि एक दूसरे का डबल हो तो आंसर आता है बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3, कोई एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं। इसमें से बड़ा वाला कौन है, 6, 3 से डिवाइड करो, 6 / 3, 2 आंसर। आई बात समझ में? अगर एक दूसरे का डबल हो तो ये ट्रिक लगा देना। देखिए अगले पे भी लग रही है क्या, तो ये वाला इसका डबल है ना, ये इसका डबल है, तो बड़ा वाला यानी कि 12 / 3, तो तुम्हारा आंसर आ गया 4। आई बात समझ में? तो ये इस ट्रिक से सॉल्व कर दिया। ठीक, परंतु जरूरी थोड़ी है कि हमेशा डबल हो, जैसे यहां तो 3 गुना है, 2 × 3 = 6, ठीक है, और यहां पे 5 गुना है, तो क्या तुम बता सकते हो इसमें मैंने क्या ट्रिक लगा दी होगी। सेम सेम के लिए तो बता दिया 2 से डिवाइड कर देना, डबल हो तो 3 से डिवाइड कर देना, तो अगर 3 गुना हो तो क्या 4 से डिवाइड कर दें, तो उसका आंसर है हां। अगर एक दूसरे का, अगर एक दूसरे का n गुना हो तो बड़ा वाला डिवाइडेड बाय n + 1 कर देना। अगर एक दूसरे का n गुना हो तो बड़ा वाला डिवाइडेड बाय n + 1 कर देना। आई बात समझ में? ये वाला इससे कितने गुना, 3 गुना है ना, अरे दिख रहा है 2 × 3 = 6, तो बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3 + 1 = 6/4 3/2 or 3/2 = 1/2, तो ये 1.5 आ गया आंसर। ठीक है, नीचे वाला देखो, इससे ये 5 गुना, 5 × 5 = 25, तो बड़ा वाला कौन है, 25, और 5 में एक जोड़ो, 5 + 1 तो कितना हो जाएगा 6, तो 25 / 6, तो ये आंसर आ गया इसका। आई बात समझ में? बढ़िया है ना ट्रिक।
ना तुमको कोई एलसीएम लेना है कुछ करना, कुछ ना कुछ गुना तो होता ही है, 10 गुना 15 गुना जो भी फटाफट कर देना, और सीरीज में ही लगाना है, पैरेलल में कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि पैरेलल में सीधे जुड़ जाता है। मान लो कि ये दोनों पैरेलल में होते 5 25 तो आंसर 30, अब इसमें क्या ट्रिक लगानी, ठीक है? पैरेलल में तो C1 + C2 ही हो जाता। तो सारी ट्रिक सीरीज की है, लिख लें इसको। चलिए आगे बढ़ा रहे हैं। अब जिस जिस जगह पे ट्रिक लग जाएगी उस जगह पे लगा देंगे, और नहीं लगेगी तो C1 C2 / C1 + C2। अच्छा एक चीज और बताओ कि अगर कैपेसिटी 1/ होती है, जैसे 1/2 1/3 दे दे कैपेसिटी, तो C1 C2 और ट्रिक वगैरह सब बेकार है, फिर एलसीएम लेके ही सॉल्व करना ठीक रहता। जैसे मान लो उसने दे दिया कि इसकी कैपेसिटी है 1/2 माइक्रोफेराड, अपॉन में दे दी, और अगले वाले की दे दी 1/3 माइक्रोफेराड, तो इसमें कोई ट्रिक ट्रिक मत लगाना, बेसिक फार्मूला लगाना जब अपॉन के क्वेश्चन आते। तो बेसिक फार्मूला कौन सा है? C1 C2 वाला, ये वाला 1/C = 1/C1 + 1/C2। उसमें C1 C2 + C1 + C2 भी मत लगाना, उसमें समय खराब होएगा। ये 1/C = 1/C1, जब इसका 1/C1 करोगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, क्योंकि 1/C1 ये ऑलरेडी 1/ है, और 1 के अपॉन में और जाके उल्टा हो जाना। इसके बाद वाला ये हो जाएगा 1/1/3, यानी 3 ऐसा हो जाएगा। अब तो बहुत ही आसान हो गया ना, 1/C = 5/1, इसका मतलब C = 1/5, ये आंसर आ गया। अब तुम बोलोगे कि मैं इसमें C = C1 C2 / C1 + C2 लगाऊंगा, क्योंकि ये शॉर्टकट है, यहां पे शॉर्टकट नहीं है। C = C1 × C2 / C1 + C2, तो तुमको एलसीएम लेना पड़ गया जिससे तुम बच गए थे, ठीक है? तो ये वाले को ऐसे नहीं सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा पर सही तरीका नहीं है। दूसरा, ये वाला किसी का इससे कुछ गुना भी नहीं हो रहा, टाइम्स भी नहीं हो रहा, तो ये टाइम्स वाली ट्रिक भी इसमें नहीं लगेगी, बेसिक फॉर्मूला ही सही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। जब एन गुना हो जाए तो फिर क्या करना, ट्रिक लगाना, और एन गुना भी नहीं हो रहा तो फिर C1 C2 / C1 + C2 लगाना, ठीक? क्लियर है यहां तक सारी बातें? चलिए आगे बढ़ा दें। अब सीरीज और पैरेलल के कुछ मिक्स क्वेश्चन करते हैं, सिंपल से, धीरे धीरे बढ़ाएंगे लेवल, एकदम नहीं, क्योंकि फिर वो हो जाती, सबको आता है, लेकिन फिर भी ट्रिक्स वगैरह लगा के थोड़ा फास्ट करना है, यही सिखाना चाहता हूं। ये है 6 माइक्रोफेराड का, ये है 12 माइक्रोफेराड का, ये है 4 माइक्रोफेराड का, बताओ फटाफट कितना आंसर ए और बी के बीच, इक्विवेलेंट ए और बी के बीच, हमेशा इक्विवेलेंट किसी दो पॉइंट्स के बीच निकलेगा, उसको यहां पे लिख देते हैं सी ए और बी के बीच, फटाफट बताएं, इधर वाला नोट भी कर लें। चलिए मिटा रहा हूं मैं। तो देखो यहां पे सबसे पहले क्या करना है कि जो क्लियर दिखता है कि ये दोनों मुझे क्लियर दिख रहे हैं कि ये सीरीज में, कैसे क्लियर दिख रहे हैं भाई? दोनों सिरे बिल्कुल साफ सुथरे दिखने चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरे अलग अलग। तो ये दोनों सिरे एक के पीछे एक लाइन लगा के खड़े हैं, इसका मतलब ये सीरीज है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये इसका डबल है, तो बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3, बड़ा वाला है 12 / 3, तो इसका इक्विवेलेंट आया 4। मैंने ट्रिक लगा दी, एलसीएम नहीं ले रहा मैं, बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि एक दूसरे का डबल है, ठीक है? अब ये जो दो है ना, इसको हटा के एक ही लगा देंगे यहां पे, एक, और नीचे वाले का कुछ नहीं किया अभी मैंने, वो लगा हुआ है 4, इन दोनों को हटा के यहां पे लगा दिया 4, और ये दोनों पॉइंट्स ए और बी वैसे के वैसे ही सलामत हैं। अब अगली स्टेप में क्या किया कि ये देखा कि क्या ये दोनों अब पैरेलल में हैं, तो दिख रहा है पैरेलल में। अच्छा कोई बोलेगा कि पहले ये दोनों पैरेलल ले लेते, तो क्या इसके दोनों सिरे इसके दोनों सिरों से जुड़े थे? जैसे ये इसका एक हाथ है, ये इसका हाथ है, तो ये वाला इससे जुड़ा है, ये तो सही है, लेकिन ये उससे थोड़ी जुड़ा, किसी और से जुड़ गया हो तो जाके, ये डायरेक्ट इसमें जुड़ना चाहिए ऐसे, तब पैरेलल होता। अभी है इसके जो दो हाथ हैं उसके दूसरे दो हाथ उससे डायरेक्ट जुड़े हुए, ठीक है? तो ये क्या है, पैरेलल है, पैरेलल में जुड़ जाता है सिंपल। तो सी इक्विवेलेंट जो है वो कितना हो जाएगा, C1 + C2 Which is equal to 4 + 4, that is equal to 8 microfarad. तो इसकी कैपेसिटी 8 microfarad.
मींस इन सबको हटा के एक अकेला 8 माइक्रोफेराड का लगा देंगे तो उतनी ही कैपेसिटी दिखाएगा, उतनी ही एनर्जी स्टोर करेगा जितना ये सब झंझट कर रहा है। इन सबको हटाओ, सिंगल लगाओ, ठीक है। चलिए नोट करें जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन इधर बना देता हूं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दूंगा शुरुआत में। लेकिन कंसेप्ट क्लियर करेगा ये क्वेश्चन। बताओ ए और बी के बीच में कितनी कैपेसिटी है और ए और सी के बीच में कितनी कैपेसिटी है। ए और बी के बीच में और सी और डी के बीच में ध्यान से देख के बताएं। ए और बी के बीच में कितनी कैपेसिटी और सी और डी के बीच में कितनी कैपेसिटी। अच्छा, दूसरी एक चीज ये ध्यान रखें, कैपेसिटी हमेशा दो पॉइंट्स के बीच निकलती है। बताओ, अरे बोलो, ए और बी के बीच में कितनी है। तो देखें, सबसे पहले ए और बी के बीच में निकलेगी तो ये एक ऐसा, ये ऐसा, और उसके बाद एक इधर एक इधर, उसके बाद ये 6 माइक्रोफेराड, ये 6 माइक्रोफेराड, ये वाला 12 माइक्रोफेराड, ये 12 माइक्रोफेराड, और ए और बी के बीच में पूछी है ना, यहां और यहां के बीच में पूछी, ठीक है। जबकि अगर वो सी और डी के बीच में पूछ रहा है तो ये वाला यूं जुड़ा है, फिर ये वाला यूं जुड़ा है, और ये वायर इधर है और ये वायर इधर है, ये सी और डी के बीच में है। अब कोई बोलेगा कि वो तो ठीक है, लग तो वही है, 6 के लगे में, इधर भी 6 माइक्रोफेराड का है, इधर भी 6 माइक्रोफेराड का है, और ये 12 का है और इधर भी 12 का है, तो फिर उसमें अंतर क्या हुआ। अंतर हुआ ना, अरे जिन दो पॉइंट्स के बीच में निकाला जाता है उसमें अंतर आ जाता। जैसे मान लो कि इस पॉइंट के बीच में निकाला ए और बी के बीच में, इसमें अलग कैपेसिटी आ जाएगी, और तुमने यहां निकाला सी और डी के बीच में, अलग कैपेसिटी आ जाएगी। पॉइंट पे डिपेंडेंट है, किन दो पॉइंट्स के बीच में निकाला गया है पे डिपेंडेंट है। सबसे पहले मुझे ये बताओ उसमें तुम्हें क्लियर क्या दिख रहा। तो सब ये वाले जो दो हैं ये सीरीज में दिख रहे हैं। कोई बोलेगा कि मुझे तो ये 6 के बाद ये 12 भी सीरीज में दिख रहा, ठीक है। तो उसका आंसर है, यदि बीच में से वायर निकल जाए तो सीरीज ब्रेक हो जाती है। सीरीज मतलब लगातार ऐसे, न क्यों बीच में से निकल गया, बीच में से वायर निकल गया सीरीज बेकार हो गई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बीच में से वायर नहीं होना चाहिए, वायर नहीं निकलना चाहिए सीरीज में। सीरीज में बीच में से वायर नहीं निकलना चाहिए, सीरीज ब्रेक हो जाती है। 1, 2 इज इन सीरीज बट 3 इज नॉट इन सीरीज, 1 एंड 2 इन सीरीज बस, बट 3 इज नॉट इन सीरीज, नॉट इन सीरीज। आ रही बात समझ में, 3 सीरीज में है ही नहीं। तो सबसे पहले तुम्हें यहां पे क्या निकल दिख रहा है कि ये दोनों सीरीज में हैं, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करके एक बना लेंगे, फिर नीचे दिख रहा है कि ये दोनों सीरीज में हैं, इन्हें सॉल्व करके एक बना लेंगे और फिर इस डायग्राम को रिड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब आप सॉल्व करके देखें। अच्छा, ये बताएं कि 6 और 6 माइक्रोफेराड का सीरीज में है, तो क्या यहां पे भी 6 और 6 सीरीज में है। डायग्राम तो सेम है लेकिन नहीं है, क्योंकि बीच में से वायर निकल गया तो इनकी सीरीज ब्रेक हो गई। अब इसकी और इसकी सीरीज बन गई 6 और 12 की, जो कि पहले इस 6 12 की नहीं हो पा रही थी क्योंकि वायर निकल गया था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 6 और 12 सीरीज में, इधर से 6 और 12 सीरीज में। कुछ समझ में आ रही बात। तो यहां पर देखें, इसको मैं अगर बनाऊंगा आगे अगला, तो 6 और 12 सीरीज में, तो ये वाला इसका डबल है ना, तो बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3, बड़ा वाला है 12 डिवाइडेड बाय 3, तो 4 बार कट गया, तो ये वाला आंसर आया 4। तो ये सी तो ऊपर ही रहा, ये दोनों मिलके 4 के हो गए, और 6 और 12 इधर भी 4 के ही हो गए, और ये वाया डी ऐसा कैसे लटका रहा, ये सी इधर, और ये हो गया 4 माइक्रोफेराड का, और ये भी हो गया 4 माइक्रोफेराड का, और ये दोनों अब तुम्हें दिख रहे होंगे पैरेलल में है, पड़ोस पड़ोस में, दोनों हाथ से दोनों हाथ मिले हुए हैं।
इसका स्टार इसके स्टार से, इधर वाला स्टार इधर वाले स्टार से डायरेक्ट मिला हुआ है, बीच में से वायर निकल जाता, पैरेलल को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा लिखा है बीच में से वायर निकलना नहीं चाहिए काय में, सीरीज में, पैरेलल में निकलता है, चलता है, पैरेलल में निकलता ही है, चलता क्या है, निकलता ही है। तो ये चार और ये चार कितने हो गए, जुड़ जाएंगे पैरेलल में, आठ। तो इसका जो सी इक्विवेलेंट होगा वो आएगा चार प्लस चार, सी डैश बोल दो, तो सी डैश इज इक्वल टू आठ माइक्रोफेराड, ये इसका आंसर है। लेकिन इसका नहीं आएगा, इसका सॉल्व करने में क्या होगा, तो मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, ये छह और छह सीरीज में दो एक जैसे, तो आंसर डिवाइडेड बाय टू, ट्रिक नंबर वन, छह छह दो एक जैसे डिवाइडेड बाय टू, तो कितना होगा, तीन माइक्रोफेराड। तो ये हो गया तीन माइक्रोफेराड। और नीचे वाला 12 12 सीरीज में कितने हो गए, 6 माइक्रोफेराड, ये 6 माइक्रोफेराड। और ये इधर से ए निकला हुआ है, इधर से बी निकला हुआ है, क्या तुमको अब ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, बोले हाँ दिख रहे हैं, पर बीच में से वायर निकला, अरे निकलने दो, वायर पैरेलल में चलता है, सीरीज में नहीं चलता, सीरीज ब्रेक हो जाती। तो क्या ये दोनों तुम्हें पैरेलल में दिख रहे हैं, तो बोले हाँ दिख रहे हैं, इसका स्टार इसका स्टार इसके स्टार इसके स्टार से मिल गया, इसका मतलब कुल मिला के ये जुड़ जाएंगे, तो इसका C डैश आएगा 3 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 9 माइक्रोफेराड, जबकि उस वाले का आंसर आया था 8 माइक्रोफेराड, कैपेसिटर सेम थे, वायर इधर उधर कर देने से आंसर बदल जाता, ठीक। अगर मैं ये वायर यहां से हटा लूं और यहां लगा दूं तो फिर इसका आंसर फिर बदल जाएगा। तो पहले तुम इसको नोट कर लो और फिर मैं वायर शिफ्ट करूंगा, तुम बताना क्या आंसर आएगा। चलिए लिखे फटाफट, पॉज दबाएं, मिटा रहा हूं मैं। अगले क्वेश्चन में ध्यान दे, ये वायर यहां से हट रहा है और ये वायर जा रहा है अपनी नई पोजीशन यहां पे। अब तुम्हें पी और क्यू के बीच बताना है, ए बी सब हट गया, बोलो। एक बार आंसर 9 आया था, एक बार 8 आया था, अब क्या था? वायर के बदल देने से आंसर बदल जाता है, सीरीज पैरेलल कंडीशन ही चेंज हो जाती है। और बैटरी लगाते हैं इन दो वायर्स पॉइंट्स के बीच में, जो सी डी ऐसे लिख रहा हूं ना, इन दोनों के बीच में ही बैटरी लगाई जाती है। तो यहां पे जो बनाया है मैंने डायग्राम, इस डायग्राम में तुम्हें क्या लगता है क्या आंसर आएगा, तो उसके लिए ध्यान से देखें। अब की बार तीन लोग सीरीज में चले गए, ये वाला इसके साथ बीच में कोई वायर नहीं है, ये वाला डायरेक्ट इसके साथ बीच में कोई वायर नहीं है, ये तीनों सीरीज में आ गए, इतने इतना ऐसा सीरीज है, और ये वाला एक अलग ही पैरेलल चल रहा है। तो ये जो सीरीज है ये तीन सीरीज में आ गए। अब तुम बोलोगे तीन सीरीज में से कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले ये तीन और तीन मिला के तो कितने हो गए, ये छह और छह मिला के तो तीन हो गए ना, अरे ये छह और छह तो इसको तो मैं तीन लिख सकता हूं ना, और ये पी ऐसा कैसे ही पी ऊपर बना दूंगा, और नीचे से आया और ये 12, ये 12 माइक्रोफेराड वैसे ही है, और ये 3 माइक्रोफेराड हो गया, और इधर साइड अभी 12 और बचा आना, तो 12 का और लगा देते हैं यहाँ पे 12 माइक्रोफेराड, और पॉइंट है यहाँ पे क्यू। ये समझ में आया इस अगली स्टेप, तीन और तीन एक जैसे सीरीज में, पहले दो ही सॉल्व कर लिए मैंने, तो तीन और तीन एक जैसे सीरीज में कितने हो गए, 3 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 3, ये 12 एज इट इज रहने दिया, ये पॉइंट यहीं का ही है क्यू, ये वाला पॉइंट उधर ही है और 12 इधर ही है। अब इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, ये दोनों फिर सीरीज में, ये इसका कितने गुना है, चार गुना है, 4 3 12, तो बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो इसके बाद अगली स्टेप में क्या होगा, ये यहां पे सिर्फ एक ही लग जाएगा कोई सा, और 12 डिवाइडेड बाय 5 माइक्रोफेराड का होगा, ये पी वैसा ही निकला हुआ है, उसके बाद ये Q ऐसा ही निकला हुआ है, और इधर साइड 12 माइक्रोफेराड भी लिखा है, ये Q, ये इसका चार गुना, 4 3 12, बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 5, तो 12 बाय 5 हो गया ना। अब ये दोनों आ गए पैरेलल में, तो ये जुड़ जाएंगे सीधे सीधे। ये पैरेलल में क्यों, क्योंकि इसके दोनों सिरे, या देखो इसका स्टार इधर वाला, इसका स्टार इसके स्टार और इसके स्टार से जुड़ा हुआ है ना डायरेक्ट, तो ये दोनों पैरेलल में आ गए, बीच में से वायर निकला। ऐसे नहीं समझ में आया तो इसको मिटा के ऐसे बना लिया करो, तो पैरेलल दिखने लग जाएगा। अब ये यूं गया और एक यूं गया, और दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच में एक इधर से आया एक इधर से आया, तो ये दोनों पैरेलल हो गए ना,
ऊपर वाला डायग्राम और नीचे वाला डायग्राम एक ही है, ठीक है। तो ये वाला क्यू है, ये पी है, ये 12 माइक्रोफेराड है, ये 12/5 माइक्रोफेराड है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो इसका जो नया इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा C इक्वल टू C1 प्लस C2, और पैरेलल में कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, सीधे जोड़ना रहता। तो C डैश इक्वल टू 12/5 एक का और 12 एक का, तो नीचे एलसीएम ले लिया मैंने 5, तो ऊपर आ गया 12, 12 × 5 = 60, 60 + 10 = 70, 72/5 को अगर मैं करूं तो यह आएगा 14.4, 14.4। सही है, माइक्रोफेराड। अब तुम ये बताओ कि मैंने इतनी जल्दी कैसे डिवाइड कर लिया? तुम बोलोगे पहले से पता होगा, क्वेश्चन लिखा होगा, ऐसा नहीं है। मैं 5 से डिवाइड नहीं करता, मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं उसके अंदर। जब भी 5 से डिवाइड करने के लिए बोले, डबल कर देना उसको, और एक पॉइंट आगे खिसका देना। 72 का डबल कितना होगा? 144, 7 × 2 = 14 और 2 × 2 = 4, 72 का डबल 144 लिखना, एक पॉइंट आगे खिसका देना। तो पॉइंट आगे खिसका दोगे तो 14.4 किसी भी केस में होगा ऐसा, ठीक है। जब भी तुम्हें 5 से डिवाइड करना हो, इसका डबल करना, 36 का डबल 72, पॉइंट आगे खिसका देना, लास्ट वाले के एक पहले पॉइंट लगा देना बस, ठीक है ना। जैसे 10 को 5 से डिवाइड करना है तो डबल करना है इसका, कितना होगा 20, लास्ट के पहले पॉइंट लगा देना, दैट इज 2। अब तुम बोलोगे तो 5 × 10 डायरेक्ट कर देंगे, अरे ट्रिक बता रहा हूं, ऐसी जगह पे काम आती। चलो लिख लिया है, अब एक और जगह पे चेंज करूंगा मैं, वो जगह ये है कि ये पॉइंट यहां से हटा के यहां करने वाला हूं, तो फिर आंसर क्या आएगा? तो तुम ट्राई कर लो अगले क्वेश्चन में, ये तो लिख ही लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पॉइंट चेंज करके ये वाला पॉइंट इधर लेना है मेरे को, तो ये 6 ऐसे ही लगा रहेगा, 12 भी ऐसे ही लगा रहेगा, और ये पॉइंट इधर साइड, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, वही आंसर आना हो तो डिजाइन चेंज हो जाएगा बस। ये पॉइंट इधर का अगर इधर आ गया और ये बीच वाला वहीं रहा, तो ये सेम आंसर आएगा, यही का यही है, ये 6 और ये 12। देख लो, पहले 6 सीरीज में लोगे, फिर 12 भी सीरीज में लोगे, फिर उसके साथ पैरेलल लो में, सेम है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वही आंसर आने वाला, दैट इज 14.4, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखें, नोट कर लिया है ना, पॉज दबा दो, फटाफट मिटा रहा हूं मैं। अब हम इसके अंदर सीरीज और पैरेलल की मिक्स ग्रुपिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें ये पहचानना रहता है कि सीरीज में कौन है, पैरेलल में कौन है, ठीक है। थोड़ी सी तकलीफ आती है शुरुआत में, बाद में धीरे धीरे समझ में आ जाता है, वायर की पोजीशन पे भी डिपेंडेंसी है। तो अगला क्वेश्चन देखें, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, 6 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड, 12 माइक्रोफेराड, 12 माइक्रोफेराड, 18 माइक्रोफेराड, व्हाट इज द कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी? जब दी बताया नहीं होता, एंड सिरे पे पूछा जाता, ए और बी के बीच में कैपेसिटी बताइए, फटाफट बताइए। देखें, सबसे पहले कौन सा सॉल्व करोगे? तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम चाहो तो ये दोनों सॉल्व कर लो पहले, ये दोनों पैरेलल में हैं, इसके दोनों सिरे इसके दोनों सिरों से मिला हुआ है, दिख रहे हैं? नहीं दिखे तो क्या करना है, इसको यहां से यूं मिटा के, ये वायर जो यूं गया था ना, इसकी जगह यूं ले लेना, एक ही बात है ना, और यहां से इसको मिटा के ऐसे डिजाइन ना देते हुए यूं ले लेना। अब तो पैरेलल दिख रहे हैं ना, ये दोनों दिख रहे हैं पैरेलल, तो पैरेलल में 6 और 6 कितने हो जाएंगे? 12, ठीक है, तो ये हो गए 12। चलो ये तो कर ही देंगे अपन, एक स्टेप और ले लेते हैं साथ में। ये 12 और 12 क्या तुमको सीरीज में दिख रहे हैं? ये 12 और 12 क्या सीरीज में दिख रहे हैं? तो उसका आंसर है हाँ दिख रहे हैं। 12 और 12 सीरीज में कितने हो जाएंगे बताओ? 12 और 12 सीरीज में हो जाएंगे 6, क्योंकि 2 एक जैसे हो गए, ठीक है। तो 12 और 12 मिला के ये हो जाएंगे 6 माइक्रोफेराड, और ये 6 और 6 हो जाएंगे 12 माइक्रोफेराड। कोई डाउट इसमें?
तो अब अगली स्टेप में जब अपन इसको बनाएंगे तो मैं सीधे ही एक बार में बना देता हूँ। ये जब बनेगा तो ये 12 और 12 हो गए 6, तो ये हो गया 6 माइक्रोफेराड। उसके बाद वो 18 लगाई है उसको, अभी अपन ने छेड़ा ही नहीं है। 18 माइक्रोफेराड, ये बी यहाँ लगा हुआ है और ए यहाँ लगा हुआ है, और ये 6 6 हो गए 12, और ये 12 लगे इसके नीचे 12 माइक्रोफेराड। देख लें जरा एक बार, समझ में आ रहा हो तो ठीक। 6 6 जो थे वो ये हो गए 12, और इसके नीचे ये वायर यूं गया और ये दोनों एक ही हो गए, तो इसके नीचे यूं वायर गया और ये दोनों एक होके कितने के हो गए 12 के, तो इसको हटा के मैंने 12 का लगा दी। सही है। अब बताओ तुम्हें कौन सा क्लियर दिख रहा है? क्या तुमको ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं? बोले नहीं दिख रहे, तो पता नहीं यहां से यूं करके ऐसे गया। क्या ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं? बोले हाँ दिख रहे हैं, लेकिन बीच में से वायर निकल गया इसलिए शायद नहीं है, शायद नहीं पक्का नहीं है, बीच में से वायर नहीं जाना चाहिए सीरीज में। क्या तुमको ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं? बोले हाँ दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके दोनों सिरे दोनों सिरों से जुड़े हुए हैं। ये यूं करके ऐसे डिजाइन बनाता तो ऐसी डिजाइन बन जाता ना, यूं और यूं, तो ये दोनों पैरेलल में पहले सॉल्व हो जाएंगे, पैरेलल में जुड़ जाता है, सिंपल जुड़ जाता है। तो 6 प्लस 12 कितने हो गए भाई? 18। तो इन दोनों को हटाया, एक 18 का लगा दिया, उसके बाद एक 18 का और लगा हुआ इसके आगे 18 माइक्रोफेराड। अब ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब ये दोनों काय में दिख रहे तुम? सीरीज में, सीरीज में दो एक जैसे हो गए, तो बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 2, मतलब दो एक जैसे तो डिवाइडेड बाय 2, बड़ा क्या उसके अंदर, तो डिवाइडेड बाय 2 इज सी बाय 2, क्योंकि दो एक जैसे, सीरीज में सारी ट्रिक लगती है, पैरेलल में कुछ नहीं लगता, दो एक जैसे, तो इसका मतलब इट इज 18 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू कितना, 9 माइक्रोफेराड। ये आंसर आ गया इसका, फाइनल आंसर। इस मतलब ये सब झंझट हटाओ, 9 माइक्रोफेराड का लगाओ, सेम एनर्जी स्टोर करेगा, दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट कैपेसिटी। नोट कर लें फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये सब एक जैसे नहीं, एक जैसे मत करो, रुक जाओ सॉल्व बनाता हूं। ऐसा बना हुआ मान, और तुमसे पूछा है कि तुम इस दोनों पॉइंट्स के बीच में, ए और बी के बीच में बताओ कितनी कैपेसिटी है। ठीक, अब ए और बी के बीच में कितनी कैपेसिटी है, तो इसके अंदर क्या करना, सबसे पहले पहली एक बात समझे कि जिस जगह पे कैपेसिटी निकालनी होती है उस जगह पे तुम खुद खड़े हो, ऐसा सोचो, और ये सब बम लगे हुए हैं यहां पर, तुम्हें आग लगानी है तो तुम कहां पे आग लगाओगे? तो अपने जिस पे खड़े हो उस पे तो नहीं लगाओगे ना, तो सबसे दूरी पे आग लगाओगे ताकि खुद बचे रह जाओ। तो इसमें जो सबसे दूरी पे पॉइंट है वहां से स्टार्ट करना, लास्ट में वो धीरे धीरे होते होते तुम तक आएगा, क्योंकि ये सुतली वो लड़ी नहीं होती जो दिवाली पे चलाते हैं, इधर से आग लगाते धड़तड़ धड़तड़ करती हुई आगे तक जाती है एक साथ और कचरा फैला देती है ढेर सारा, वो है ये। तो यहां पे अगर आग लगाओगे तो धीरे धीरे फैलते फैलते यहां से यहां तक तुम तक आएगा, ऐसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो जहां हम खड़े हैं जिन दो पॉइंट्स के बीच में उसने बोला वो सबसे लास्ट में सॉल्व होंगे, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में बोल देता ना तो इधर से सॉल्व होता, इधर से सॉल्व होता, ये नहीं सॉल्व होता। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जिन दो पॉइंट्स के बीच में, जिन दो पॉइंट्स के बीच कैपेसिटी पूछी हो, कैपेसिटी पूछी हो, वो पॉइंट्स
सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं, कैसी हो गई है हमारी भाषा। सबसे हिंदी का शब्द उसको लिखा इंग्लिश में, और लास्ट इंग्लिश का शब्द उसे लिखा हिंदी में, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, पता नहीं क्या हो गया। अंग्रेजों ने 100 साल राज कर लिया, 200 साल हमारे ऊपर पता नहीं क्या बना दिया हमको, ना हम हिंदी के रह गए ना हम इंग्लिश के रह गए, ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती। इंग्लिश आ रही होती तो तुम्हें मुझसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, किताबों में सब लिखा हो उसी में से तो पढ़ रहा, ठीक है। वो समझ में नहीं आता तभी तो अपने को दूसरे समझना पड़ता अपनी लैंग्वेज में, ठीक। तो यहाँ पे आधा हिंदी आधा इंग्लिश, ये व्हाट्सएप की लैंग्वेज है, ठीक है। चलिए इससे बढ़िया समझ में आता, लेकिन जिन दो पॉइंट्स के बीच कैपेसिटी पूछी हो वो पॉइंट सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में पूछिए, सबसे लास्ट में इसी को सॉल्व करना। तो सबसे दूर से सॉल्व करना चालू करो, सबसे दूर से, सॉल्व फ्रॉम द फार्देस्ट पॉइंट, सबसे दूर से सॉल्व करना चालू करें। अब ये बताएं कि इन दो पॉइंट्स के बीच का सबसे दूर का पॉइंट ये है, यहां से यूं जाओगे सबसे दूर ये, यहां से सॉल्व करना चालू करो। अब ध्यान से देखें, ये वाला जो दो है, ये वाला 12 और ये वाला 12, क्या ये तुम्हें सीरीज में दिख रहे हैं बिना बीच में वायर गए, डायरेक्ट दिख रहे हैं क्या सीरीज में? बोले हां दिख रहे हैं। तो 12 और 12 दो एक जैसे हो जाएंगे, 6। आ रही बात समझ में? तो ये हटेगा और इसकी जगह यहां 6 का लग जाएगा। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं मिटाता जाऊंगा, इसलिए तुम क्या करो पहले नोट कर लो, क्योंकि मैं डायग्राम फिर से बार बार 10 बार बनाने वाला नहीं, बोर्ड छोटा है मेरा, तो मैं मिटाता जाऊंगा यहीं के यहीं बनाता जाऊंगा, तो तुम पहले नोट कर लो उसको। अब मैं मिटा रहा हूं, देखो ये 12 ये 12 6 हो गए, मानते हो कि नहीं मानते? अरे 12 12 6 हो गए ना, क्यों? क्योंकि पैरेलल में सीरीज में लगे हैं दो एक जैसे। तो ये 12 और 12 हो गए 6, इसको हटाया और इसकी जगह 6 लगा दिया, ये सब हटाओ, ये तो समझ में आ ही गया तुमको, इसकी जगह 6 लगा दिया 6, ठीक। अब बताओ क्या ये 6 और ये 6 पैरेलल में आ गए? तुम इतनी देर में बना लो उसको वहां पे, ठीक है। 6 और 6 क्या पैरेलल में आ गए? बोले हां आ गए, 6 और 6 अगर पैरेलल में आ गए तो ये 6 और 6 ऐड हो जाएंगे और 12 हो जाएंगे, हां कि ना? बोले हां हो जाएंगे। तो फिर हटाओ ये दोनों को, ये वाली लाइन हटेगी और इस लाइन से इस लाइन के बीच में एक 6 और 6 12 का लग जाएगा, तो ये लग गया 12 का। अब ये बताओ कि क्या ये 12 और ये 12 पैर सीरीज में आ गए? अरे हाँ, बीच में कोई वायर भी नहीं है। जब दो सीरीज में आ जाते हैं तो 2 से डिवाइड हो जाता है, 12 डिवाइडेड बाय 2 6 हो गए। बोले हाँ हो गए, तो इसकी जगह हम 6 लगा देंगे। तुम अपना बनाते रहना, मैं तो मिटाता जाऊंगा, लास्ट में कुछ नहीं बचेगा बोर्ड पे, ठीक है। तो ये 12 और 12 कितने हो गए? 6 हो गए, हटाओ 6 लगा लो, ये 6 लगा दिया। अब ये बताएं कि क्या ये 6 और 6 पैरेलल में आ गए? अरे इसके दोनों सिरे इसके दोनों सिरों से जुड़े हैं ना, ये यूं है यूं, जब भी यूं कुछ बन जाए ना इस तरीके का पैरेलल होता है, तो ऐसे ही तो बन गया ना। तुम बोलोगे नहीं है तो ऐसा नहीं, ऐसा बन गया, डिजाइन चेंज। अरे एक ही है वो वायर, यूं यूं कर लो, किसी ऊपर कर लो नीचे कर लो, वायर का क्या, ठीक है। ये जो वायर है इसको मैं कैसे भी मोड़ दूं, यूं करके यूं मोड़ लूं या इधर मोड़ लूं, वो कनेक्शन तो वही रहने वाला है ना। इसके मुड़ने या नहीं मुड़ने से डिजाइन थोड़ी चेंज हो रहा है, डिजाइन चेंज हो रहा है पर करंट थोड़ी चेंज हो रहा है, करंट तो इधर से इधर ही जा रहा था जहां जा रहा था। तो क्या ये 6 और 6 पैरेलल में है? तो बोला हाँ है, 6 6 पैरेलल में, तो हो गए 12। तो इसका मतलब की बार ये मिटेगा और यहां पे 12 का लगेगा, ये लग गया 12 का। क्या ये 12 और ये 6 पैरेलल में है? बहुत सारे बच्चे बोल रहे हाँ है। अरे कहां से है ये? बीच में घुसा हुआ है, इसका क्या करोगे? पैरेलल में कहां से आ गए? इसके दोनों सिरे यूं जुड़े हैं तो उसके ये वाले और ये वाला सिरा जुड़ा, थोड़ी बीच में कुछ घुसा पड़ा है, तो ये थोड़ी है। फिर कौन है? तो ये नहीं है, ठीक है। सोते हुए लोगों को जगाने के लिए ऐसे लिखता हूं मैं, ये 12 और 12 सीरीज में है क्या? बोले हाँ है,
क्यों? क्योंकि डायरेक्ट अगर बीच में कोई वायर नहीं, 12-12 सीरीज में हो जाएंगे 6, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 12 और 12 हटाओ, इसकी जगह लगाओ 6, ये 6 लगा दो, ये लग गया 6। फिर ये 6 और ये 6 क्या सीरीज पैरेलल में है? तो रहा है इसके दोनों सिरे, इसके दोनों सिरों से कनेक्टेड, ये इस टाइप की चीजें पैरेलल होती है, यूं कुछ भी मिला दो, यहां से मिलने चाहिए बस। तो 6-6 हो गए 12, 6-6 हो गए 12, तो इसको हटाया, इसकी जगह क्या लगा दिया 12 का। क्या ये 12 और ये 12 सीरीज में है? बोला हाँ, डायरेक्ट तो गए 12-12, यदि सीरीज में होंगे तो 2 से डिवाइड होगा, आंसर आएगा 6, इतने हिस्से का आंसर आएगा 6। अब इनको हटा दिया और इसकी जगह लगा दिया 6, अब अपन उस जगह पहुंच गए जहां हम खुद खड़े, अब तो बम चलाना ही पड़ेगा। तो क्या 6 और 6 पैरेलल में है? तो उसका आंसर है हाँ, और पैरेलल में जुड़ जाते हैं, इसका मतलब आंसर आएगा 12, 6 + 6 = 12। तो इसका आंसर आएगा सी इक्वेलेंट इज इक्वल टू 6 + 6, दैट इज इक्वल टू 12 माइक्रोफेरड। ठीक है, चलिए नोट कर लिया हो तो अगले पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालो, यदि सभी की कैपेसिटी सी है तो। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालो यदि सभी की कैपेसिटी सी है तो। तो देखें, सबसे पहले इसको रिड्यूस करेंगे अपन, तो इसकी कैपेसिटी आएगी सी, वो तो लिखा ही है सी, ये दो एक जैसे, तो इनकी कैपेसिटी आएगी C by 2, दो एक जैसे C by 2। उसके बाद चार एक जैसे, तो इसकी कैपेसिटी आएगी C by 8। उसके बाद उसने लिखा चार एक जैसे, तो C by 4। उसके बाद लिखा हुआ है 8 एक जैसे, तो उसकी कैपेसिटी आएगी C by 8। और ये नीचे ऐसा चलता जाएगा ऐसा उसने बोला है, इसका मतलब तुम्हारे अनुसार अगला क्या आना चाहिए? तो अगला जो आना चाहिए वो आना चाहिए C by 16। उसके बाद क्या आना चाहिए? C by 32, एंड सो ऑन, कहां तक? इंफिनिटी तक, अनंत तक, सितारों के भी पार चलती ही जाएगी ये सीढ़ी, स्वर्ग लोक पहुंचा के दम लेगी। ठीक है, तो ये चलती जा रही है C, C by 2, C by 4, C by 8, C by 16, C by 32, C by 64, एंड सो ऑन। अब इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या है? तो पहली चीज, क्या ये सारे पैरेलल में लगे? अब बोले हाँ सारे पैरेलल में लगे, यदि पैरेलल में लगे हैं तो सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब सीधे सीधे जुड़ जाएंगे तो इसकी जो कैपेसिटी आनी चाहिए वो आनी चाहिए C + C by 2 + C by 4 + so on up to infinity, ये इसकी कैपेसिटी आनी चाहिए। अब ये जो बन गया है इट इज कॉल्ड GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो पहले मैं तुम्हें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में बता दूं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं? GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि जैसे 2 लिखा है, फिर 4, फिर 6 की जगह 8, 16, 32, डबल होता जाता, डबल नहीं 3 गुना भी हो सकता है, 2 3 6 3 18 इंटू 3 कर दो जो भी आता है 54, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके की सीरीज जीपी होती है, 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8, 1 by 16, ये भी जीपी है क्योंकि इसमें 1 by 2 का मल्टीप्लाई होता जा रहा। ऐसी जीपी अगर हो, ऐसी नीचे वाली, इसका सम अप टू इंफिनिटी होता है a/(1 - r), अनंत तक जोड़ने पर ये फॉर्मूला आता है सम अप टू इंफिनिटी, जिसमें a होती है फर्स्ट टर्म, a क्या होती है फर्स्ट टर्म, और r क्या होता है कॉमन रेशियो, कॉमन
रेशो, कॉमन रेशो का मतलब ये होता है कि इसमें किस चीज का मल्टीप्लाई हो रहा है कि आ रहा है। उसको निकालने के लिए सिंपल तरीका है, कॉमन रेशियो में सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो तो कॉमन रेशियो आ जाता है। 1/4 को 1/2 से डिवाइड करो तो 1/2 आएगा ना। इसमें देखो ना, 1/2 का ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/2 × 1/2 = 1/4, फिर 1/2 का मल्टीप्लाई 1/8, फिर 1/2 का मल्टीप्लाई 1/16, तो इसका ए 1/2 है, इसका आर भी 1/2 है, और ऐसी अनंत तक जुड़ जाती है। उस केस में जब आर एक से छोटा हो तभी ऐसा लगाना, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, a अपॉन 1 - r। यहां पे भी ऐसी अपॉन में चल रहा है। इसमें से क्या अपन c कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर आएगा 1 + 1/2 + 1/4 + up to infinity, अंदर वाली gp है, बाहर c चलने दो। gp का फॉर्मूला a अपॉन 1 - r जोड़ने के लिए, तुम्हें a क्या लगता है, इसमें a क्या लगता है, ब्रैकेट के अंदर 1 लगता है, सही लगता है। आर क्या लगता है तुमको, किसका मल्टीप्लाई हो रहा है कि अगली टर्म आ रही है, हाफ का, हाफ में फिर हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आ रहा है ना, तो ये हाफ का मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये तुम्हारा आर हो गया इसके, तो इट इज इक्वल टू सी ब्रैकेट में 1/1 - ½ = ½, और ये हाफ का 2 ऊपर जाएगा तो 2c आंसर आएगा इसका। इसका मतलब इस पूरे जंजाल का आंसर 2c है, ये अनंत तक चला जाएगा तब भी इसकी कैपेसिटी 2c ही होगी। उसका रीजन क्या है, देखो एक कैपेसिटर c का है बहुत बड़ा, उसके बाद छोटे होते जा रहे हैं ना, फिर इतने पॉइंट पॉइंट हो जाएंगे कि लास्ट में आते आते जीरो हो जाएंगे, तो इन सबको भी जोड़ लोगे ना तो वो c/2 ही होगा। तो c/2 इसका, c/2 इसका एन होगा c, और c ऊपर वाले का एन 2c होगा, ठीक है। यहां से लेके यहां तक c/2, और यहां से लेके यहां तक पूरा सी, ये पूरा सी और एक ऊपर वाला सी, कुल मिला के हो गए 2c, ठीक है। कैसे हो 2c, चलिए लिख ले फटाफट। तो आज मैंने सिंपल सर्किट्स पढ़ाए हैं जो कि किसमें लगते हैं, कैपेसिटर में। अब इसके बाद कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होंगे, उसमें एकदम से तुम पहचान नहीं पाओगे कि ये सीरीज है कि पैरेलल है, तो उसमें कोई टूस्टी टेक्निक लगानी पड़ेगी। आज जो अपन ने सर्किट पढ़े उसमें अपन पहचान पा रहे हैं कि सीरीज कौन सा, पैरेलल कौन सा। हमने सिंपल बना दिया, लाइन से लाइन मिल गई तो सीरीज है, बीच में से वायर नहीं जाना चाहिए, और दोनों हाथ से दोनों हाथ मिल गए तो पैरेलल है। अब हमने क्या बोला कि ऐसे सर्किट्स आएंगे जिसमें पता ही नहीं पड़ेगा कि सीरीज है कि पैरेलल है, देखने से पता नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए एक दूसरी टेक्निक लगाएंगे, तो वो जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में।